प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार दौरे पर हैं। पीएम मोदी दिल्ली से विशेष विमान से सुबह गया एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वह नालंदा आए। पीएम मोदी पहले नालंदा विश्वविद्यालय के पुराने खंडहरों को देखते हैं, फिर उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। वहीं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन करने के दौरान प्रधानमंत्री ने कई जिज्ञासा भी प्रकट की। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा है। नए ब्लॉक के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा का नव जागरण भारत के विकास का शुभ संकेत है। नालंदा केवल भारत के अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, बल्कि यह एशिया या विश्व के कई देशों का पुनर्जागरण है। मैं उन तमाम देशों को बधाई देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं, नालंदा पहचान है, गर्व है, गाथा है और मूल्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नालंदा का नव जागरण भारत के विकास का शुभ संकेत है। इससे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभालने के 10 दिनों के अंदर बिहार के नालंदा पहुंचा हूं। नालंदा आना मेरा सौभाग्य है। नालंदा एक नाम नहीं, पहचान है। आग लपटों में भले ही किताबें जल गई, लेकिन ज्ञान नहीं मिटाया जा सकता। नालंदा का यह नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। वहीं पीएम मोदी के नालंदा आगमन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के हाथों नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होना बहुत ही खुशी की बात है। वो इस अवसर पर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी पहली बार नालंदा आए हैं और उन्होंने विश्वविद्यालय के पुराने परिसर को देखा है। यह बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए परिसर की परिकल्पना को लेकर इसके उद्घाटन तक के सफर को विस्तार से बताने का काम किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का यह सबसे पुराना केंद्र है। यह खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी आप यहाँ आए। वहीं समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं कई देशों के राजदूत, केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्री और अन्य नेता मौजूद रहे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।